हेलो फ्रेंड्स, तो राज बेंगोली में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, जो लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो मेरे पास, मैंने बाइक पे तो पहले से ही बबल वाइजर लगा रखा है पल्सर 220 का। तो यहाँ पे मैंने एक और बबल वाइजर को ख़रीदा, तो ये आपके सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये तो स्टॉक बबल वाइजर है जो कि पहले से कंपनी फिटेड आता था, और मैंने सिर्फ इस पे ये जो रैपिंग है आपको कि इसमें और जो पहले का जो बबल वाइजर आता था उन दोनों में फ़र्क क्या है, तो तीनों की आज हम कंपेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम ये जो बबल वाइजर देख रहे हो, ये जो नॉर्मल से वाइजर आते हैं, कैमेटिक एक टुकड़े में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। तो इस गैप जो नॉर्मल सा वाइज़र आते हैं, आपका जो वाइज़र है बबल वाइज़र, उसमें भी ये जो गैप आप लोग भी देखे होंगे कि ये पूरी तरीके से फिट नहीं होता है दोस्तों। तो उसके बदले में ये तो जेबी का वाइज़र था दोस्तों, और मैंने बाद में एक और वाइज़र को मंगाया है जो कि ये है, और ये AOW कंपनी का आता है ये। तो ये इससे थोड़ा सा, इसका जो उभार है थोड़ा सा ज़्यादा ऊँची है, और इसकी जो अगर डायमेंशन की मैं अगर बात करूं तो इसकी डायमेंशन है 15x42 दोस्तों, और ये है 13x20। तो इसके मुकाबले इसका जो उभार है ये थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूं कि ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, तो आप लोग भी देख सकते हो ये दोनों ही सेम टू सेम है, और यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाता है दोस्तों। और इसका फिटिंग, इसके मुकाबले इसका फिटिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा ये है स्टॉक जो वाइज़र आता है, जो कि पहले आता था, तो इस पर मैंने सिर्फ रैपिंग कराया है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो स्क्रू लगाने की जगह है, लेकिन ये जो फ्रंट है ये भी अच्छी तरीके से फिट हो, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये हुक सा दिया गया है, पर यहाँ पे वो हुक नहीं मिलता है। और सेम इसी टाइप का हुक दोस्तों, ये जो बात जो आफ्टर मार्केट आता है वाइज़र, उस पर भी ये हुक आता है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दोस्तों इसकी कुछ ख़राबी भी है, मैं यही कहूँगा। तो इसकी प्रॉब्लम यही है दोस्तों, सिर्फ एक प्रॉब्लम कि ये जो वाइज़र आते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। जब भी आप बहुत ज़्यादा रेस करोगे, और उस समय अगर आप बॉडी के बाइक को, जब आप अपने सर को नीचे करके जब अगर आप रेस करते हो, तो उस समय क्या होगा कि ये जो ट्रांसपेरेंट वाइज़र है, इससे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, लेकिन ये टोटली दोस्तों एकदम ब्लैक कलर का है, और बिल्कुल भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा एकदम हार्ड टाइप का है। तो इसीलिए आपको इसके पीछे से सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यही बस इसकी एक मुझे जो चीज़ लगा वो ख़राब लगा, बाकी ये वज़न में भी और ये इसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिर्फ इसकी यही एक कमी मुझे लगी है। तो यही था बबल वाइज़र से जुड़ी कुछ बातें दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये कंपैरिजन का वीडियो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर किसी भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए।